तो ये पहला व्लॉग होने वाला है और मुझे व्लॉग बनाना नहीं आता है। बेसिकली अभी मैं हूँ और मेरे साथ मेरा लंगोटिया यार है विकास। लंगोटिया इन द सेंस हम अलग अलग लंगोटी पहनते हैं बट हम लंगोटिया यार है, स्कूल से साथ है। और अभी हम लोग दोनों जो है वो हमारा जो जयपुर का जो बार है हाईकोर्ट जयपुर में जो बेंच है वहाँ आज एडवोकेट्स के चुनाव है उसमें जा रहे हैं। और ये हाईकोर्ट का रास्ता रहने वाला है और हम लोगों को जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है क्योंकि आज रश काफी है हाईकोर्ट के पास। तो हम लोग जो है वो हाईकोर्ट के कैंपस के आसपास में आ चुके हैं। ये सामने आप देख सकते हैं ट्रैफिक काफी है यहाँ पे और ट्रैफिक के साथ साथ में पार्किंग के लिए भी बड़ी समस्या होने वाली है। चलो पार्किंग ढूंढते हैं उसके बाद में वापस से आपसे मिलते हैं। लगभग हाईकोर्ट प्रीमिसेस के आसपास से हम अभी कोर्ट कैंपस के बाहर हैं और कुछ देर के अंदर मिलते हैं आपसे कोर्ट कैंपस के अंदर और देखते हैं यहाँ आज कैसा वातावरण है। आई होप यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलने वाली है। और विकास कैसी है ये जगह? बहुत ही शानदार, उम्दा, बेहद मजेदार। वैसे तो हम लोगों के लिए ये जगह हमेशा अच्छी रहती है बट आज क्या थोड़ा सा माहौल जो है वो चुनाव वाला रहने वाला है। तो चुनाव के अंदर देखते हैं आज अंदर क्या वातावरण है। काफी टाइम से यहाँ गहमा गहमी चल रही है। अभी हम वॉक करके पैदल चल के पहुंचने वाले हैं कोर्ट में, मिलते हैं आपसे कोर्ट के अंदर। अभी कोर्ट प्रीमाइसिस के अंदर हम एंट्री ले चुके हैं और यहाँ पर काफी रश है और जितने भी एडवोकेट्स हैं जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस में उनके समर्थक जो है वो वोट देने के लिए अपने अपने प्रतिभागी को अपील कर रहे हैं आने वाले एडवोकेट्स से। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हूटिंग्स भी हो रही थी। अभी आप देख सकते हो कि सभी ने अपने अपने कियोस्क लगा रखे हैं। ये देखिए ये भी कोई प्रतिभागी हैं। आगे चलने पर हमें काफ़ी रश देखने को मिली ये एडवोकेट्स आपस में वार्तालाप करते हुए। और अभी ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये नया ब्लॉक है, ई ब्लॉक है हाईकोर्ट राजस्थान जयपुर बेंच का। और ये देखिए यहाँ पर सामग्री भी काफ़ी रखी हुई है प्रचार के लिए। सभी प्रतिभागियों ने अपने अपने कियोस्क या अपने अपने टेबल्स या एस्टेब्लिशमेंट ले रखे हैं और एक जगह उन लोगों ने अपना जो ग्रुप है वो बना रखा है और पूर्ण रूप से अपने अपने प्रतिभागियों को अपने कॉन्टेस्टेंट को समर्थन देने के लिए पुरजोर मेहनत करते हुए। अभी आगे चलने पर ये देखिए आप सामने भीड़ इतनी है कि निकलने के लिए भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है और सभी एक ही रंग में रंगे हुए हैं, ब्लैक एंड वाइट, द बेसिक कलर्स ऑफ लाइफ, द फाउंडेशन कलर्स ऑफ लाइफ। आगे चलने पर अभी आप देखिए सामने ये टेंट्स की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर ये प्रतिभागी जो है वो लाइन में लगे हुए हैं और अपने वोट डालने के लिए समय का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ ये हूटिंग होते हुए और ये देखिए ये भी अंदर एंट्री ले रहे हैं वोट डालने के लिए और सभी जो समर्थक हैं वो इनका प्रचार कर रहे हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर पुलिस प्रशासन भी वहाँ मौजूद था व्यवस्था के लिए। पुलिस प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था की गई थी बहुत अच्छी थी, सराहनीय थी। धन्यवाद पुलिस प्रशासन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। बाकी हमारे अधिवक्ता जो बंधु हैं, हमारी जो लिटिगेशन फ्रेटर्निटी है, एडवोकेट फ्रेटर्निटी है, उनका भी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा था। ये टेंट्स लगाए गए हैं कि धूप से दिक्कत ना हो और सामने ये जो हैं वो बूथ्स लगे हुए हैं यहाँ पर अल्फाबेट्स से। ये कैंटीन का सीन देख सकते हैं अभी आप, पीछे कैंटीन है, वहाँ कुछ फुर्सत के टाइम एडवोकेट्स आके बैठते हैं, वार्तालाप करते हैं और चाय पीने का मजा लेते हैं। ये देखिए अभी समर्थक जो है वो हूटिंग करते हुए टेबल्स पे चढ़ चुके हैं। ये लोग पूरे जोश खरोश के साथ में अपने अपने प्रतिभागी को, अपने अपने चेहरे को समर्थन देने के लिए अपील करते हुए। ये कोई दूसरा दल है और ऐसे ही हूटिंग्स आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगी इसमें। ये जो दल हैं इन दल के अंदर अधिवक्ताओं के साथ में लॉ स्टूडेंट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि अभी कॉलेज में अपनी एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं LLB की। ये हमारी ई ब्लॉक के अंदर जो एडवोकेट्स के चैम्बर हैं उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कैंटीन है, नई कैंटीन है हाईकोर्ट जयपुर बेंच में एडवोकेट्स के लिए। यहाँ पे भी आपको कुछ एडवोकेट्स अभी देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली ये जो चुनाव थे ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कार्यकारिणी सदस्य, कोषाध्यक्ष, सांस्कृतिक सचिव जैसी सीट्स के लिए या पोस्ट्स के लिए हुए थे। अभी आप ये बाहर का सीन देख सकते हैं, चुनावी माहौल चरम पर है और
जोश जो है वो देखते ही बन। आपने देखी होगी कोर्ट की आम जिंदगी, आज देखिए कोर्ट की खास जिंदगी। चुनावी माहौल चरम पर है और जोश जो है वो देखते ही बन। यहाँ पर हमारे अधिवक्ता बंधुओं के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी की गई थी और ये व्यवस्था हमारी बार और मेंबर्स और जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसकी तरफ से की गई थी। व्यवस्था काफी अच्छी थी, यहाँ पर पंगत प्रसादी के रूप में बैठकर भोजन जो हमारा पारंपरिक तरीका होता है उसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन रूप कह सकते हैं इसको, उस तरीके से की गई थी। व्यवस्था बहुत अच्छी थी और लगभग 5,000 और कुछ वोटर्स या एडवोकेट वोटर्स इसमें रजिस्टर्ड थे, जिनमें से 4,400 के ऊपर वोटर्स ने वोट किया है, तो नंबर ऑफ वोट बहुत ज़्यादा रहा है। और ये जो चुनाव का रिजल्ट है ये विद इन 2-3 डेज में आ जाने वाला है। अभी आप ई ब्लॉक के बाहर जो कि एडवोकेट्स के नए चैम्बर हैं वहाँ का सिनेरियो देख सकते हैं। वापस से जोश पैदा हो चुका है, दोपहर के लगभग 2 या 2:30 बज रहे होंगे। वापस हम चलते हैं भोज के अंदर। अब मैं खुद जाके भोज के लिए बैठ चुका हूँ और यहाँ पर व्यवस्था जो है उसको अधिवक्ताओं ने और कैटरिंग वालों ने बहुत अच्छे से संभाल रखा था। जिन लोगों ने व्यवस्था की थी उन सभी को धन्यवाद, आपका जो ये प्रयास था यहाँ की व्यवस्था करने का बहुत अच्छा रहा, बहुत सराहनीय है। और वापस से हम आ गए ई ब्लॉक के बाहर। ये हूटिंग जो है वो देखने लायक थी, यहाँ पर काफ़ी जोश के साथ में सभी उम्मीदवार और उनके जो सहभागी और उनके जो समर्थक थे उन लोगों ने जोश बनाए रखा था। इस ब्लॉक को देखने के लिए धन्यवाद।